लोकसभा चुनाव का मौसम है और लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए हम लोग आए हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है राम बिहारी सिंह जी, वो भी मौजूद है और हम लोग का आरोप है हम लोग का विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं और किसी तरह का सवाल नहीं है, बल्कि कहिए तो विपक्ष के पास न कोई नेता है, न कोई नियत है, न कोई दिशा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। हम लोग चुनाव में वोट मांग रहे हैं विकास का। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने सभी तबकों के लिए काम किया है, विकास किया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बच्चियों हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया और इसलिए हम लोग वोट मांगने का हकदार हैं। और विपक्ष के पास, खासतौर से महागठबंधन के प्रत्याशी के पास कोई वोट मांगने का राजनीतिक रूप से उनका अधिकार नहीं मिलता और इसलिए कि यहाँ तक प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल यहाँ पर एमपी रहे, कोई बड़ी योजना नहीं लाए, बड़ी काम नहीं किए, वो सरकार में शामिल थे और सरकार में रहते हुए उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, उनकी कोई विकास में रुचि नहीं थी, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाने की रुचि था। हम जनता से अपील करेंगे वैसे प्रत्याशी को वोट दीजिए और वैसे सरकार को वोट दीजिए। हम माननीय नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम वोट मांग रहे हैं। हमारा प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के महाबली जी हैं और हम लोग इसलिए वोट मांग रहे हैं कि देश को और सबल बनाना है, मजबूत बनाना है और जो हमारा विकास ग्रोथ है 11.3% बिहार का, हम इसको और ग्रोथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबके लिए काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं हो, छुट्टा नहीं है, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना लाई है, सबके लिए लाया है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना। ये अब हर तबका के लोगों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, एपीएल हो, बीपीएल हो, जिनकी उम्र 60 साल होगा उस सबका पेंशन जुलाई से शुरुआत कर दिया जाएगा।